नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं NMF न्यूज। सावन के महीने में शिव भक्ति में लीन फरमानी नाज ने हर हर शंभू गाना गाकर सभी के दिलों पर राज किया था। हालांकि सोशल मीडिया पर उन्हें मुसलमान होने की वजह से ट्रोल भी किया गया, तो वहीं इनकी जमकर सराहना भी हुई। लेकिन विरोध से ऊपर उठकर फरमानी नाज ने गाए हुए गाने को एक कलाकार का धर्म बताया। अब तो सावन खत्म हो चुका है, लेकिन जन्माष्टमी की धूम है और इस मौके पर फरमानी नाज खुद को कैसे रोक सकती थी। विरोध की परवाह किए बगैर हर हर शंभू के बाद जन्माष्टमी के मौके पर भी फरमानी नाज ने एक भजन गाया है जो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। ये गाना कृष्ण भजन है जिसे काफ़ी सुना जा रहा है। फरमानी के इस नए जन्माष्टमी भजन का नाम है दीवानी दीवानी। गाने के लिरिक्स राज हिंडसन और अनुज मुल्हेड़ा ने लिखे हैं। इस भजन के रिलीज होने के 17 घंटे में 1,38,000 व्यूज मिल चुके हैं और यह सिलसिला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आपको बता दें कि एक वक्त था जब फरमानी नाज को कोई नहीं जानता था, लेकिन अब फरमानी नाज एक बड़ा नाम बन चुकी है। फरमानी के गाने रिलीज होते ही वायरल हो जाती हैं और वहीं फरमानी नाज के भजन गाने पर बवाल भी छिड़ता है, मगर फरमानी इन सभी चीज़ों से नहीं डरती हैं। वे बेखौफ होकर अपने गाने के पैशन को जी रही हैं। फरमानी के मुताबिक संगीत और कला का कोई धर्म और भाषा नहीं होती। फरमानी को अगर लोगों की ट्रोलिंग मिली तो प्यार भी कम नहीं मिला है। हर हर शंभू गाने पर जब विवाद छिड़ा था तब उन्हें सपोर्ट करने वालों की कमी भी नहीं थी। आपको बता दें कि अभी हाल ही में सावन के महीने में इनका गाना हर हर शंभू यूट्यूब पर काफ़ी हिट हुआ था, लेकिन इसके साथ ही साथ फरमानी नाज द्वारा गाया गाना कुछ मुस्लिम कट्टरपंथियों को रास नहीं आया था और उन्होंने फरमानी को ट्रोल करना शुरू कर दिया था। लेकिन इस ट्रोलिंग का फरमानी नाज के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा और उन्होंने जन्माष्टमी के मौके पर कृष्ण भजन गाकर ये साबित भी कर दिया। तो फरमानी नाज द्वारा गाए इस भजन पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताएँ।